कि तुसी भी घट नंबर में फॉरन जाके पढ़ने का सुपना जो है पूरा करना चाहते हो, किसी वधिया यूरोपियन शेंगन कंट्री में जाके सैटल होने का सुपना देख रहे हो, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर देखो। सत श्री अकाल जी सारे, मैं परमिंदर चीमा जी, तुसी देख रहे हो ब्लॉग्स विद प्रिंस चीमा। तो आज दी वीडियो में आप डिस्कस करेंगे किस तरह आप घट नंबर में शेंगन यूरोपियन कंट्रीज दे विच आपां जाके पढ़ाई करन दा सुपना किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो सब तो पहला जेकर आपां गल करिए, जेकर अपने प्लस टू जां अपने लास्ट ईयर दे विच नंबर बहुत ज़्यादा घट आने ते अपना जो सुपना है बाहर जाके पढ़न दा है वह पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिवें कि आपां जानते हैं कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज से जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपां फुलफिल नहीं कर पा रहे। सो तुहाडे वास्ते एक बेस्ट ऑप्शन है, वधिया ऑप्शन है, तुसी एक यूरोपियन शेंगन कंट्री जाके पढ़ सकते हो, अपना जो उत्थे पढ़न दा सुपना पूरा कर सकते हो। तो अज आप गल कर जा रहे हैं हंगरी की। हंगरी एक शेंगन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, तो बहुत ही वधिया कंट्री मनी जाती है। पॉपुलेशन इतों की बहुत ज़्यादा घट है। जेकर आप गल करिए स्टडी की, तो इतों की जो इतने जाके स्टडी करने की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही ज़्यादा घट है, ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा घट है, इनका वीज़ा जो आप बहुत आसानी नाल घर बैठे ले सकते हैं, किसी एजेंट को किसी इमीग्रेशन को जाने की कोई लोड़ नहीं है। सब तो पहले जेकर आप गल करिए कि आप किस तरह ऑफर लैटर यूनिवर्सिटी के अप्लाई कर सकते हैं, तो तुहानू मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच दे दांगा जिथे जाके तुसी अपनी यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो, तो उन्होंने डायरैक्ट मेल करके अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके अपना ऑफर लैटर जो है वह ले सकते हो। हंगरी के अपन बहुत सारे पढ़ने वास्ते ऑप्शनस मिल जाते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ अपन मिल जाती हैं जो कि इंग्लिश दे विच स्टडी अपन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जिवें कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेकन, यूनिवर्सिटी ऑफ बुडापेस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स, इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपन इंग्लिश दे विच स्टडी प्रोवाइड करती हैं। स्टडी दे विच आपां इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स और बहुत सारे MSc प्रोग्राम, BSc प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जेकर आप फीस की गल करिए, इन यूनिवर्सिटी सब तो पहला आपको एप्लीकेशन फीस प्रोवाइड करनी पैंती है। एप्लीकेशन फीस जो कि 100 to 150 यूरो है, ये अपन जो आप डॉक्यूमेंट अपने यूनिवर्सिटी को भेजते हैं तो आप 100 to 150 यूरो जो इन फीस है आपको इस शिफ्ट भेजनी पैंती है, ताकि जो अपनी एप्लीकेशन के उपर असैसमेंट की जा सके तो आपको ऑफर लैटर प्रोवाइड करवाया जा सके। जेकर आप गल करिए यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्विनस, यह यूनिवर्सिटी बुडापेस्ट हंगरी के पैंती है, बहुत ही वधिया यूनिवर्सिटी है। इतों की जेकर आप गल करिए किस तरह आप ऑफर लैटर लेना है, सब तो पहला अपने यूनिवर्सिटी की वैबसाइट के उपर जाना है, उत्थे जाके अपन एक लिंक मिल जाएगा, लिंक ओपन करके अपन सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करने पैणगे, अपन 150 यूरो इन फीस देनी पेगी, मैनशन करना पेगा किस कोर्स के लिए तुसी अप्लाई कर रहे हो। इस तो बाद हो सकता है कि एक स्काइप इंटरव्यू तुहाडे नाल कंडक्ट की जा सके, एक सिंपल स्काइप इंटरव्यू होंदी है, उस तो बाद तुहानू ऑफर लैटर जो प्रोवाइड कर दिता जाता है। जेकर आप गल करिए ट्यूशन फीस की, ट्यूशन फीस बहुत ही ज़्यादा घट है, 3000 to 4000 यूरो इसकी जो ट्यूशन फीस है, जो कि इंडियन रुपीज़ के इक्वल आप लाइए तो 2.5 to 3 लाख रुपए इसकी फीस पाती है, जो कि बहुत ही जायज़ और बहुत ही घट फीस है रैदर दैन ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, USA वर्गिया कंट्रीज़ नाल। जे IELTS की रिक्वायरमेंट बारे आप गल करिए, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपन IELTS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ अपनी जो लास्ट स्टडी है वो इंग्लिश के होनी चाहिए है, और अपने को एक स्काइप इंटरव्यू लैनगे जिस एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन या एक छोटा टॉपिक अपन बोलने वास्ते दिता जाता है, उस तो बाद अपन ऑफर लैटर मिल जाता है। सब तो पहला ऑफर लैटर आने तो बाद अपनी जो फीस आप किसी भी बैंक के थ्रू जाके ट्रांसफर करा सकते हैं डायरैक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट के। फीस पे करने तो बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल करवाने हैं, डॉक्यूमेंट अपोस्टल करवाने तो बाद कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट ना कंट्रीज के होंगी है, लग चलो मैक्सीम 7 to 8, 8 to 10 लाख, जिन्ना मैक्सीम आप करा आप उन्ना ही बेनीफिट है, लेकिन जो 7 to 8 लाख रुपये आप अपने बैंक अकाउंट के डिपोजिट करवा के शो कर देते हैं तो वह इनफ है, और उस तो बाद आप पूरे डॉक्यूमेंट्स नाल जाके अपने VFS के फाइल जो है सबमिट करवा सकते हैं, और उस तो बाद जो उन्हें प्रोसैसिंग टाइम है, प्रोसैसिंग टाइम आप लैके चली 30 to 60 दिन मैक्सीमम मिनट जो प्रोसैसिंग टाइम है, इस जो वीज़ा है उसका रिजल्ट आ जाता है, हो सकता है एम्बैसी वालों थोड़ी इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाई जाए, तो दिल्ली जो किसी भी होर एम्बैसी तो अप्लाई कर दौ, उ जाके फेस टू फेस इंटरव्यू भी देनी पै सकती है, पर बहुत ज़्यादा औखे इंटरव्यू नहीं होंगी, एक सिंपल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो अपना जो वीज़ा है इशू हो के अपन मिल जाता है, तो आप हंगरी
ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਨਾਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।